सीधे लिए चलेंगे आपको संसद के पहले सत्र की कार्रवाई की ओर, जहां पर राज्यसभा में क्या कुछ हो रहा है आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज छठवां दिन है और इस बीच क्या कुछ हो रहा है राज्यसभा में वो देखिए। सफाया वहां पर हो गया। हाल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर नसीहत दी, हमारी बात तो आप सुनते नहीं, आरएसएस वाले पहले बार सच बोल रहे हैं। सर, उनकी सर, तो बात सुनिए, एक साल से मणिपुर जल रहा है, किसी की जवाबदारी नहीं है। सर आइए परसों ही बोले ना, वन हैंड खड़गे जी, ऑन वन हैंड यू आर स्पेयरिंग नो वर्ड्स ऑफ कंडेमनेशन, ऑन सेकंड हैंड यू आर सेइंग दिस। ये देखिए साहब, देखिए आप सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं, मोहन भागवत मैं कह ये बोल रहे हैं कि मणिपुर पे इन्होंने निर्वाचन किया। मोहन भागवत जोड़ के कहता हूँ, मैं नहीं कहा, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा। आप ये नहीं, मोहन भागवत जी का हर भाषण आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ही मिलेगा। नहीं मैं ये देखिए बहुत नफीस, मैं देखिए अपने जो उनके फाउंडर है वहां से लेकर गोलवल गुरुजी से लेकर सुदर्शन से लेकर जितने भी उनके लीडर है सबको पढ़ता हूँ। और देवरस इमरजेंसी में थे ना सब, देवरस बाड़ा साहब सबके साहब, मेरे को नाम याद है इसलिए याद है, वो समाज को खत्म करने के लिए बैठे हैं, उनका नाम तो मेरे को हर दिमाग में बैठा हुआ। डिलीट दीज ऑब्जर्वेशन, दिस इज रेप्रिहेंसिबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज सभापति जी के बीच एक बड़ा घोटाला खड़गे जी सामने आया जी, खड़गे जी जिसे सरकार खड़गे दबाने की कोशिश। यू आर मेड वन सेकेंड, यू आर मेड हाईली कंटेम्पचुअस ऑब्जर्वेशन, व्हाट वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ दिस हाउस। व्हाई आपने कहा कि ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, हाउ कैन, नो दिस इज डिलीटेड, आई टेक एक्सेप्शन टू इट। साहब आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं आरएसएस को बोल रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। यू हैव सर खड़गे जी, अरे बैठो बैठो भी बैठो, देखो साहब जब बोलते हैं तो आप नहीं बोलना चाहिए। तो सर 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। खड़गे जी वन सेकंड, होम मिनिस्टर ने कहा हाउस बिफोर 4th June, आई टू टेक नोट ऑफ टाइम, वन सेकंड, द हाउस विल कंटिन्यू ड्यूरिंग लंच रिसेस ऑल्सो इन दी डेलीब्रेशन कंटिन्यू। आपका फ्लो नहीं तोड़ रहा हूँ, देखिए आपके फ्लो के लिए लंच रिसेस रद्द कर दी गई है, पर लंच रिसेस रद्द कर दी गई है। साहब वो क्या करते हैं है? कभी कभी हमारा शरीर में से दिल्ली निकाल लेते हैं, कभी भेजा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए जरा मुश्किल हो जाता है। आज के दिन आपने जो बयानी की है वो आप बहुत बढ़िया, बहुत आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। सभापति जी लिखी हुई बात बढ़ रहे हैं, बड़ा घोटाला सामने आया है जिससे सरकार ने दबाने की कोशिश की है। 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है, होम मिनिस्टर ने कहा कि बाय शेयर्स बिफोर 4th June। वाह, ये मार्केटिंग करते हैं बहुत से कंपनियों का, ऐसी भाषा उन्होंने की। सर जून एग्जिट पोल आया और 3 June को स्टॉक मार्केट के सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर 4 June को स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया, निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। क्या उनको आप सबक सिखाएंगे कि इतने लोगों के पैसे गए? 4 June को आप देखिए क्या देखे, सब गिर गए धड़ाधड़ धड़ाधड़। सर आखिर में चंद बातें देश की लाइफलाइन भारत रेल पर भी करना चाहूंगा। हाल में कांचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना हुई,
उससे पहले बालासोर दुर्घटना भी थी। हमारे रेल ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है और देश को एक तरफ लेकिन अरे इन अब तुम्हारे पिताजी को रिसर्व करने के लिए रेल में ही जाता था। अरे अरे गुलबर्गा में एयरपोर्ट नहीं था तो हम खड़गे जी आइए देखो 1970 में इनके पिताजी को हमको हम सबको अंदर कर दिए थे 144 ये यंग टर्न हम सब उस वक्त खड़गे जी तो मतलब बात करें खड़गे जी क्या करें किन को अंदर कर दिया था। देखिए 1970 में 71 में सुनिए चंद्रशेखर मोहन धारिया कृष्णकांत और ये जो लोग यंग टर्न की ग्रुप थी हमारे गुलबर्गा आए थे 144 इन्होंने तोड़ दिया तो हम ही वहां पर ब्लॉक प्रेसिडेंट थे तो हमको भी अंदर डाले इनको भी अंदर डाले एक दो घंटे के लिए फिर बाद में छोड़ दिए तो चार बार गुलबर्गा आना पड़ा। विमान नहीं थी रैली थी तो इसलिए मत बोलो भाई तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से बैठो बैठो हमारी सर हमारी रेल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है देश को एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ सरकार नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी दुर्घटना पर हम सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब यह मिलता है कि पीछे आपके जमाने में कितने दुर्घटना हुए थे कितने ऐसी घटनाएं हुई उसकी गिनती होती है। अरे अच्छे करने की गिनती करो पीछे क्या होगा वही बात बार बार बोलने से देश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा होगा कि सबसे पहले 3 लाख से अधिक वैकेंसी रेलवे में जो खाली है वो भर्ती करो उसमें SC ST सभी को मिलेगा और खासकर मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है लाखों वैकेंसीज है वो सरकार भर रही है। वैकेंसीज की बात है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑन वैकेंसीज माननीय सभापति जी माननीय सभापति जी एक सेकंड प्रमोद जी आपने वर्ल्ड डिबेट देखी है माननीय सभापति जी पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है 5 मिनट में खत्म और अगर यूपीए का 10 साल देखे तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल डीजल LPG सिलेंडर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मिल्क प्रोडक्ट्स ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूँ ऐसे जो जरूरी चीजें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना कैसा टोकना ये काम करते। और देखिए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित की गई है 2:10 तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई लोकसभा सदन की कार्रवाई 2:10 पर शुरू होगी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है अभी आप सुन भी रहे थे किस तरीके से फिलहाल लगातार जो चर्चा है वहां पर सदन में की जा रही है। लोकसभा की कार्रवाई इस बीच स्थगित कर दी गई है 2:10 तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है।
वहीं तमाम जानकारियां अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप सुन रहे थे कि राज्यसभा में किस तरीके से मुद्दे उनके द्वारा उठाए जा रहे थे, रेल यात्राओं को लेकर सवाल खड़े करते हुए वो नजर आए, जो बीते दिनों हादसे हुए उसको लेकर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए, और लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई क्योंकि लगातार जारी है, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। हमें मिलकर सोचना है कि राष्ट्रपिता के जो विजन रखा था उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। आखिर में कि मैं केवल निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत बातें हमारे लखनऊ के नेताओं ने बताया, त्रिवेदी साहब ने बताया,